अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको चेंज ओवर के बारे में बताऊंगा कि चेंज ओवर किस किस क्वालिटी का होता है और चेंज ओवर कितने एम्पेयर का होता है और चेंज ओवर खरीदते वक्त आप किन किन बातों का ख्याल रखें और सही चेंज ओवर की पहचान कैसे की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे ताकि आपको चेंज ओवर के बारे में सारी मालूमात बआसानी मिल सके। तो अब बात करते हैं कि इस चेंज ओवर की, जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, ये मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ कि ये NF गोल्ड प्लस कंपनी का चेंज ओवर है। तो बॉक्स इसका मैं आपको दिखाता हूँ, बॉक्स इसका बहुत ही प्यारा और कमाल का बना हुआ है। और ये फ्रेंड्स, ये 30 एम्पेयर का चेंज ओवर है। तो टाइप, ये किस टाइप का चेंज ओवर है? ये DP टाइप का चेंज ओवर है। एक चेंज ओवर चुटकी वाला होता है, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चेंज ओवर DP टाइप का ही होता है। तो इसकी एम्पेयर की बात कर लें तो ये 30 एम्पेयर का चेंज ओवर है, और वोल्ट्स की बात कर लें तो ये 500 वोल्ट का चेंज ओवर है। ये था चेंज ओवर का बॉक्स, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा और कमाल का लग रहा है। इसकी पैकिंग आप देखें, बहुत ही कमाल की फिनिशिंग वाली की हुई है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ बॉक्स वाला चेंज ओवर। तो अब इसको बॉक्स से अनबॉक्स करके मैं आपको दिखाता हूँ कि चेंज ओवर देखने में कैसा होता है और इसका इस्तेमाल किस तरह, किस तरीके से किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं बॉक्स से चेंज ओवर निकालने के बाद। ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक कलर का पेंटेड चेंज ओवर है, जो कि ये 30 एम्पेयर का चेंज ओवर है। ये फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें तो ये एक साइड पे इसका हैंडल लगा हुआ है, जो कि इसको कंट्रोल करता है। तो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं ये कंपनी की, ये NF गोल्ड का चेंज ओवर है। तो ये साथ ही लिखा हुआ है चेंज ओवर स्विच। तो 500 वोल्ट तक ये बिजली को कंट्रोल कर सकता है, 30 एम्पेयर का है, ये भी DP लिखा हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं, ये साइन बोर्ड ऊपर लगा हुआ है ऑन ऑफ का, ये दरमियान में फ्रेंड्स ऑफ लिखा हुआ है, ये नीचे भी ऑन लिखा हुआ है, ऊपर भी ऑन लिखा हुआ है। तो अब बात करते हैं कि चेंज ओवर, ये बाहर से हमने देख लिया ये बहुत ही कमाल का बना हुआ है। तो ये पेंट इसको इसलिए किया जाता है कि ये लोहे की धात का बना होता है, लोहे को जल्दी जंग नहीं लगता, वो जल्दी एक्सपायर नहीं होता। तो अब इसको ओपन करने के लिए ये देखें, ये स्क्रू लगा हुआ है। तो इस स्क्रू को ओपन करते हैं फ्रेंड्स। तो स्क्रू को ओपन करने के बाद ये देखें फ्रेंड्स, ये डोर की तरह ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स ये देखें, ये होता है चेंज ओवर। चेंज ओवर का कमाल सारा इन पॉइंट्स पर मुनहसर होता है, क्योंकि चेंज ओवर का सारा दारोमदार इन पत्रियों पर होता है। तो ये देखें फ्रेंड्स, अब ये नीचे है, जैसे ही मैं इसको ये दरमियान में करता हूँ तो ये देखें फ्रेंड्स, ये पत्रियाँ दरमियान में आ गई हैं। तो हमेशा आप जब भी एक चेंज ओवर ख़रीदें तो चेंज ओवर ख़रीदने से पहले आपने सबसे पहली बात देखनी है कि ये जौन से पॉइंट्स हैं, ये पत्रियाँ जौन सी हैं। ये पत्रियाँ कॉपर की होती हैं, जौन सा एक नंबर चेंज ओवर होता है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, किसी किस्म की कंपनी का भी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले देखना है कि ये इसके पॉइंट्स कौन से होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स यही चीज़ है जिसके ऊपर सारा चेंज ओवर चलता है। तो अब नीचे बात कर लें, ये नीचे देखें, ये चार पॉइंट लगे हुए हैं, चार पॉइंट्स ही ऊपर लगे हुए हैं। तो ये जैसे ही सैंडल को मैं ऊपर करूँगा तो फ्रेंड्स ये देखें, ये अब ये वाले पॉइंट्स ऊपर टच हो गए हैं। इसको लगाने का मकसद ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके घर में दो वापडा के मीटर्स लगे हुए हैं, तो आप एक मीटर की तारें नीचे कनेक्ट करेंगे, एक मीटर की तारें ऊपर कनेक्ट करेंगे, तो दरमियान में ये बंद हो जाता है। तो जब आप जौन सा मीटर आपने चलाना है तो उसकी तरफ आप जब इसको करेंगे चेंज, तो वो मीटर ऑटोमेटिक ही ओपन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि ये दो मीटर्स को बआसानी चलाता है, बगैर किसी डर के, बगैर किसी खतरे के। तो ये 30 एम्पेयर का चेंज ओवर है, इसकी सबसे पहचान यही है कि ये पत्रियां इसकी कॉपर की होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि पाकिस्तान में किस कंपनी का चेंज ओवर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ये NF गोल्ड का भी चेंज ओवर अच्छा है, सबसे अच्छा चेंज ओवर होता है एमको का।
एमको के बाद बात कर लें मिल्लत का, मिल्लत के बाद तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला चेंज ओवर होता है NF गोल्ड का। तो ये थी चेंज ओवर की पहचान। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। तो ये मार्केट में आपको बआसानी फ्रेंड्स ये चेंज ओवर आपको मिल जाएगा 800 से 900 रुपये तक बआसानी किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप से। तो जो मैंने आपको बातें बताई हैं आपने सिर्फ़ उन बातों का ख्याल रखना है। और ये वाला 30 एम्पेयर का चेंज ओवर सिर्फ आपके घर का लोड चला सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने घर में एसी लगाया हुआ है तो उस पर आपको 60 एम्पेयर का चेंज ओवर लगाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स ये था चेंज ओवर का टोटल ट्यूटोरियल। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया फ्रेंड्स।